Friday, good evening to all of you. आप लोग चैप्टर फर्स्ट में यानी क्लास सिक्स की कंप्यूटर की क्लासेज हैं उसमें आप लोग जो क्लास कर रहे थे क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो आप लोगों ने शायद थ्री तक किया था, थ्री या फोर। तो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को करते हैं, तो आप लोग नोटबुक के साथ रेडी हो जाइए। देखिए अब इसको, इसके आधे आंसर को ही हम लोग कर पाए हैं।
व्हाट इज लाइट ट्रांजिशन, ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, उसके बाद क्या है इसका स्टेप भी पूछ रहा है, राइट द स्टेप टू अप्लाई अ ट्रांजिशन टू अ स्लाइड, यानी किसी भी स्लाइड में हम लोग ट्रांजिशन को कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए स्टेप भी हमें लिखना है। तो उससे पहले पूछ रहा है स्लाइड ट्रांजिशन, तो उसके बारे में हम लोगों ने अभी लिख चुका है बोर्ड पे, हम लोग कर चुके हैं। तो आप देखिए क्या है, स्लाइड ट्रांजिशन आर द स्पेशल इफेक्ट विच विथ विच अ स्लाइड अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एज चेंज फ्रॉम वन स्लाइड टू द अदर। इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए और नेक्स्ट इसका स्टेप भी हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ जैसे रवि ने क्वेश्चन किया था उस प्रकार से आप लोगों को भी अगर कोई दिक्कत हो किसी भी बच्चे को तो आप लोग मैसेज करें और अपनी दिक्कत को पूछें, तो पढ़ाई जो है आप लोग का जारी रहेगा। वैसे एक दो दिन का व्यूज काफ़ी ज़्यादा था, फिर से वही 10, 12, 20, 15, 16 और हो गया। बस एक बार देख लेना है कि हम लोग का क्लास जो है शुरू हो गया है, उसके बाद व्यूज धीरे धीरे कम गया, यानी पढ़ाई का जो जोश था आप लोगों का वो तो जा रहा है, क्योंकि क्लासेज हो रही है, वैसे ही क्लासेज हो रही है, तो क्लास करने में दिक्कत क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग क्लासेज जो है वो अच्छे से कर ही नहीं रहे हैं, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय बीतता जाएगा, आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि नहीं पढ़ने से क्या आप लोग को लाभ मिलेगा या क्या घाटा होगा। ज़्यादा तो हम लोग बोल सकते नहीं हैं, ज़्यादा क्या बताएं आप लोगों को, क्या समझा, आप लोग खुद समझदार हैं। तो इसको जल्दी कीजिए और क्लासेज जो है वो कंटिन्यू रखिए, ताकि जो भी पढ़ाई होती है वो आप लोग समझेंगे, और समय जो है बीत रहा है जा रहा है, नहीं पढ़िएगा पढ़िएगा वो आप उससे क्या लाभ है नहीं है आप अच्छे से समझते हैं। तो उस बात को रहने देते हैं और आगे का काम है वो करते हैं। अब इसको इरेज करेंगे और इसके स्टेप्स को लिखेंगे। Thank you.
इसको जल्दी से कीजिए, इसका थोड़ा सा लाइन जो है हम लोग को लिखना अभी बाकी है, इसको इरेज करके लिख देते हैं क्या? ठीक है रहेगा। पहला वाला जो है द स्टेप्स टू अप्लाई ट्रांजिशन टूवर्ड्स लाइट आर, वो जो डेफिनेशन आप लोग स्लाइड ट्रांजिशन का लिखे थे, तो जहाँ तक वो फिनिश होता है उसके नीचे वाले लाइन से आप लोग शुरू कीजिएगा, समझ गए? हो गया ये कंप्लीट, ये जो आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे आप लोग वी लगा लीजिएगा, ठीक ना, डब्ल्यू ई वी, वी सेलेक्ट द डिजायर्ड स्लाइड इन द स्लाइड नेविगेशन पेन। स्टेप टू, ऑन एन ट्रांजिशन टैब इन ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो। उसके बाद स्टेप थ्री, वी सेलेक्ट द डिजायर्ड ट्रांजिशन टू अप्लाई इट टू द सिलेक्टेड स्लाइड। हो गया ये कंप्लीट यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और इसमें कहीं पे दिक्कत हो थोड़ा इधर उधर हो गया है, यहाँ पे बस वी लगा देना है, और यहाँ का जो पार्ट है ट्रांजिशन के बाद वो टू से स्टार्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आप लोग का ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसको इरेज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर, और इस क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिए। Thank you.
ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट आपका, समय लगता है थोड़ा। तो स्टेप्स आप लोगों को लिखना था, जो कि आप फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं अभी, सेलेक्ट द डिजायर स्लाइड इन स्लाइड नेविगेशन पेन। सेकंड स्टेप है ऑन ट्रांजिशन टैब इन टाइमिंग ग्रुप, क्लिक ऑन साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स एंड चूज द साउंड टू अप्लाई टू द सेलेक्टेड स्लाइड। कुछ वर्ड यहाँ पे जो है लिखा गया है यहाँ के बाद, अप्लाई टू द सेलेक्टेड स्लाइड। इसको अच्छे से नोट कर ले, और इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज करके पूछे। आज के लिए इतना ही, अगेन गुड इवनिंग।